नमस्कार सभी शिक्षक बंधुओं, आज का वीडियो खासकर नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को 20 जुलाई तक का मौका, प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे तो जाएगी नौकरी। शिक्षा विभाग ने निगरानी जांच के दायरे में आए नियोजित शिक्षकों को दस्तावेज उपलब्ध कराने का अंतिम मौका 21 जून से लेकर 20 जुलाई 2021 तक दिया है। इस अवधि में इन शिक्षकों को विशेष पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक अनुभव और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को ही यह जानकारी दी है। इन शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2006 से 2015 के बीच में हुई है। अब तक 10,000 शिक्षकों ने अपना दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों में से 93,000 शिक्षकों के नाम विभाग के विभिन्न वेबसाइट और NIC की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। शेष 10,000 शिक्षकों के नाम अभी अपलोड होने बाकी रह गए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा गया है कि इन शिक्षकों को अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं। अगर दस्तावेज अपलोड नहीं हुई तो जाएगी नौकरी व वेतन की वसूली होगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निर्धारित समय सीमा पर ये शिक्षक अपने दस्तावेज अपलोड नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि उनकी नियुक्ति के वैधता के संबंध में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति की प्रथम दृष्टिया अवैध मानते हुए संबंधित नियोजन इकाई के माध्यम से उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अब तक मिले वेतन की वसूली भी की जाएगी। इन वेबसाइटों पर दिए लिंक पर दस्तावेज अपलोड करने हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने निर्देश में संबंधित शिक्षकों से कहा है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट नीचे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे लिंक पर अपलोड और इस लिंक के माध्यम से जिलेवार अपलोड किए गए शिक्षकों की नामों की सूची दी गई है। उन सूची में नाम देखकर दिए गए पोर्टल के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर पोर्टल में उपलब्ध प्रपत्र में आवश्यक जानकारी भरनी होगी। इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी करनी होगी अपलोड। मैट्रिक एवं इंटर के मार्कशीट के प्रमाण पत्र, स्नातक के मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, शिक्षण प्रशिक्षण के मार्कशीट और प्रमाण पत्र, दक्षता प्रमाण पत्र या TET उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, 20% वेटेज के लिए अनुभव प्रमाण पत्र, मेघा सूची नियुक्ति पत्र और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र। प्रिय शिक्षकगण, आप इस लिंक पर अपना नाम देख लीजिए और यदि उस लिस्ट में नाम है तो जल्द से जल्द इन दस्तावेजों को अपलोड करा लें। चैनल में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और नए नए अपडेट को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।